भारत एक ऐसा देश जो जल संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन इसकी नदियां और भूजल संसाधन खतरे में हैं। तेजी से हो रहा आर्थिक विकास, कृषि में पानी का सघन इस्तेमाल, लगातार बढ़ती जनसंख्या और बढ़ रहे शहरीकरण की वजह से पानी की मांग में वृद्धि हो रही है, जो पानी के अभाव की समस्या का निर्माण कर रही है। बिना प्रक्रिया के अपशिष्ट जल छोड़े जाने के कारण हमारी नदियों के पानी की गुणवत्ता खराब होने से समस्या और भी जटिल हो रही है। हमारा जीवन और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह पानी पर निर्भर है। यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो जल्द ही पानी की मांग आपूर्ति से ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत में बारिश मुख्य रूप से मौसमी होती है। ज्यादातर बारिश मानसून में यानी जून से सितंबर के दौरान होती है और 90% से ज्यादा नदियों का प्रवाह केवल 4 महीनों के लिए ही होता है। देश के कई राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं और 12% राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 60 करोड़ भारतीयों को भीषण पानी की तंगी का सामना करना पड़ता है और हर साल साफ पानी की अपर्याप्त उपलब्धता के चलते लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। एकीकृत जल संसाधन विकास पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगातार घट रही है। साल 2001 से 2011 के बीच प्रतिवर्ष एक व्यक्ति के लिए पानी की उपलब्धता की औसत मात्रा 1820 क्यूबिक मीटर से घटकर 1545 क्यूबिक मीटर हो गई है। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो साल 2050 तक हम में से प्रति एक व्यक्ति के लिए केवल 1140 क्यूबिक मीटर पानी ही उपलब्ध होगा। हमारे जल संसाधन के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए सतही और भूजल को मिलाकर एकीकृत संसाधन के तौर पर हमारे पानी को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही रूप में हमें बेहतर जानना होगा, जिसके लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य परिदृश्य से निपटते हुए समाधान उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसे जल संसाधन विभाग, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग द्वारा लागू किया जाता है। यह जल शक्ति मंत्रालय का एक हिस्सा है। लागू करने वाली 50 एजेंसियां इस परियोजना में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें सभी राज्यों के जल विभाग और 11 केंद्र सरकार की एजेंसियां शामिल हैं। 8 वर्षों की अवधि के लिए 3,640 करोड़ रुपयों के कुल खर्च के साथ केंद्रीय क्षेत्र की इस परियोजना की एजेंसियों को भारत सरकार से 100% अनुदान मिल रहा है। विश्व बैंक ने इस परियोजना को 50% लोन के रूप में सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का उद्देश्य लक्षित जल संसाधन सूचना की सीमा, गुणवत्ता, पहुंच में सुधार लाना और भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत बनाना है। इसे 4 परियोजना घटकों के माध्यम से हासिल किया जा रहा है। वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली, वाटर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जल संसाधन सूचना प्रणाली, वाटर रिसोर्सेस ऑपरेशन एंड प्लानिंग सिस्टम यानी जल संसाधन योजना एवं परिचालन प्रणाली, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन्हेंसमेंट यानी संस्थागत क्षमता संवर्धन, वास्तविक समय जल विज्ञान मौसम संबंधी डाटा प्राप्त करने के लिए देश भर में जल मौसम विज्ञान संबंधी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो विभिन्न जगहों पर नदियों, जलाशयों के स्तर, भूजल स्तर, अवक्षेपण, मौसम के मापदंडों जैसे तापमान, हवा की गति, नमी इत्यादि का मापन करेंगे। सैटेलाइट या मोबाइल नेटवर्क के जरिए मापन केंद्रों से डाटा को वापस वास्तविक समय में केंद्रीकृत डाटा सर्वर में संचारित किया जाएगा। राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर डाटा केंद्रों पर सभी जानकारियों की पुष्टि, भंडारण और वैधीकरण किया जाता है और इस डेटा को जल व्यवस्थापकों, डिजाइनर्स, उपयोगकर्ताओं और अनुसंधानकर्ताओं के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। वेब आधारित डेटाबेस और सूचना प्रणाली भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के जरिए
गैर वर्गीकृत डेटा आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। एक राष्ट्रव्यापी जल संसाधन डेटा रिपोजिटरी के रूप में राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र NWIC नामक एक संस्था पहले ही स्थापित कर दी गई है। ये बहुत जरूरी है कि हमें न सिर्फ विश्वसनीय डाटा प्राप्त हो बल्कि हम सभी डाटा को एक प्लेटफॉर्म पर रख सके जहां वो आसानी से लोगों सहित सभी हितधारकों की पहुंच में हो और फिर इस डाटा का इस्तेमाल अलग तरह की योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए हो, क्योंकि निर्णय प्रणालियां विकास भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है NHP प्रोजेक्ट का। ये एक बहुत ही लचीली टाइप की योजना है जिसके अंतर्गत आप कुछ भी रिलीज कर सकते हैं, जैसे पानी, हाइड्रोलॉजिक आप वास्तविक रूप में कर सकते हैं। एक डाटा केंद्र के विकास से लेकर अब तक जो भी बेहद महत्वपूर्ण है जो हमने बना दिया है, जैसे वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NWIC, क्योंकि डेटा आजकल बहुत सारी संस्थाओं द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल मंडल हो, IMD हो या सभी राज्य हो, लेकिन वो सभी डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन अब सारा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि राज्य सरकारों का डेटा केंद्र सरकारों के लिए उपलब्ध रहेगा और केंद्र सरकार का डाटा राज्य सरकार को भी मिल पाएगा। इसलिए NWIC भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे NHP का। उन्नत निर्णय सहायता प्रणाली के अंतर्गत सूखे की अवधि के दौरान उपलब्ध जल के इस्तेमाल के लिए बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। बाढ़ के दौरान निर्धारित समय सीमा के साथ पूर्व अनुमान प्रणाली विभिन्न हितकारकों की पहुंच में विकसित करने के लिए प्रस्तावित है। बाढ़ के दृष्टिकोण से एकीकृत जलाशय परियोजना संचालन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के विकास की भी योजना है, जो बेहतर तरीके से परिचालन करे जिससे नुकसान कम से कम हो। जिस तरह से अगर पानी देश को बांट सकता है वैसे पानी देश को जोड़ भी सकता है, तो NHP यह मान रहा है कि देश एक हो, अपने सभी राज्यों को मिला करके एक मजबूत देश बने। मुझे लगता है कि NHP का राष्ट्रीय एकीकरण होना यही उद्देश्य है। जैसा कि मैं समझता हूँ खास भारत में, इसलिए NHP वास्तविकता में जल क्षेत्र में उचित संसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित का लक्ष्य रखता है। यह एक सॉफ्ट स्किल फेज 3 और 2 है। सॉफ्ट स्किल में जो कि किसी भी तरह का कैसा भी कोई इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, डाटा संग्रह होगा, डाटा का प्रसार होगा, डाटा समझा जाएगा, हाँ पर यह कैसे होगा, निर्णय लेने की प्रणाली स्वयं में ही बहुत मजबूत होगी, तो फिर जल क्षेत्र के जरूरतमंद हिस्से या जरूरतमंद लक्षित क्षेत्रों या जरूरतमंद लोगों की चिंता है, खास उन लोगों को जरूरत के मुताबिक ही पानी दिया जाएगा, और जिनके पास अतिरिक्त पानी है उन्हें ड्रेनेज की समस्या होगी, वो भी ड्रेनेज के मुद्दे में पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उत्तर पूर्व में पानी की समस्या जैसी की तैसी ही है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि डाटा के बिना किसी भी परियोजना का बनना मुश्किल है। लंबे समय से हम सिर्फ लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कर रहे हैं जिसमें डाटा का संग्रह हल्के प्रति से होता रहता है और वे विश्वसनीय नहीं होता, लेकिन नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बाद इसका महत्व बहुत ही समझ आ रहा है। और मेघालय का आधा भाग उत्तरी मेघालय ब्रह्मपुत्र का तट है। हम सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही बड़ी नदी है। इस नदी से बड़ी मात्रा में आसाम से बाढ़ आती है। हम मेघालय के लोग इसमें योगदान देना चाहते हैं। मेघालय एक तटीय क्षेत्र है और जो हमारे पास डेटा है उसके साथ ही उत्तर पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम के साथ हम ब्रह्मपुत्र के साथ योजनाएं बनाए जा रहे हैं, जैसा कि दूसरे विकसित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और जैसा कि हमें पता है कि ये सभी एक परिवार है NHP भी, और वो तुरंत इसमें काम भी करते हैं और वो मीटिंग भी रखते हैं, वर्ल्ड बैंक मिशन पर वो चर्चा करते हैं और उन्हें मदद मिलती है। केंद्रीय जल संसाधन बोर्ड ये एक कार्यान्वित संस्था है। ये संस्था जिसके अंतर्गत आती है वो है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। हम जो भी डाटा शेयर करते हैं सभी स्टेट एजेंसियों को, जिससे सभी एक साथ काम करते हैं और देश को आगे लेकर जाते हैं। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में हम एक अलग तरीके से डाटा का संचालन करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर की, और उसके बाद हम इसके संसाधन और कार्य प्रणाली को दर्शाते हुए नेटवर्क डिजाइन करते हैं।
ये प्रक्रिया होने के बाद हम राज्य सरकारों से बात करते हैं, उनके साथ नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का निर्णय होता है। अगर कोई निर्धारण नेटवर्क डिजाइन में हो तो उसके तीन भाग होते हैं। पहला है नेशनल प्रोस्पेक्टिव, दूसरा है क्षेत्र की आवश्यकता और तीसरा है राज्य की आवश्यकता। जल संसाधन मंडल से चर्चा के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स हेडक्वार्टर्स के साथ, विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ही इसे मान्यता दी जाती है। विश्व बैंक पोर्टफोलियो की परियोजना जो निर्माण के बारे में नहीं, लेकिन ये संस्था का निर्माण है, संस्था का बदलाव है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को वाटर इंजीनियर में बदलाव लाते हैं। ये परियोजना असल में सूचना प्रणाली को सुधारता है ताकि पूरा देश एक साथ ही एक ही मार्ग पे चल सके। ये बिल्कुल ही जीएसटी के समान है, जैसे कि समान टैक्स, उसी तरह पानी की सब जगह जानकारी मिलेगी, जिसके कारण पारदर्शिता रहेगी। हर एक नागरिक को तुरंत पानी की जानकारी बिल्कुल समानता से मिलती रहेगी। वर्ल्ड बैंक अवगत करा रहा है, जैसे कि बाढ़ पूर्वानुमान से 15 दिन पहले आपको जानकारी मिलेगी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ के अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बाढ़ आने का पूर्वानुमान को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बाढ़ में बहुत नुकसान होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम जलाशय को ठीक से प्रबंधित करें और पूर्वानुभव को ठीक से उपयोग करें तो जाने बच सकती है। आप सभी को पता है केरल के इतिहास में सबसे बड़ी बाढ़ आई, कम से कम 13 लाख लोग अपने घर से बेघर होकर शेल्टर हाउस में रहने को मजबूर हो गए थे। और इस बाढ़ से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल गया था। इस बाढ़ के बाद आम नागरिक को भी इस हाइड्रोलॉजिक प्रोजेक्ट के महत्व को समझना चाहिए था। केरल की सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने रिवर बेसिन कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी इसे गठन किया, तो अब हम उस रेखा के नीचे है। रिवर बेसिन कंजर्वेशन अथॉरिटी की संकल्पना और कुछ नहीं बल्कि इंटरग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट है। हमें सभी रिवर बेसिन को इंटरग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से जोड़ना होगा और फिर ये प्रोजेक्ट यानी कि नेशनल हाइड्रोलॉजिक प्रोजेक्ट बहुत ही उपयुक्त है। दो या तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रोजेक्ट को लागू करने को प्रभावित करती है। डाटा का संचारण और बहुत से डाटा का खो जाना और डाटा खंड में पड़ जाना। हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की नेशनल टीम जो है, यानी कि दिल्ली नेशनल मैनेजमेंट यूनिट में है, वो हमें रास्ता बताया कैसे कार्यान्वित करें सभी स्टेशनों को और डाटा को कैसे सुचारू करें और उसे किस तरह से प्राप्त करें, इंस्टॉल करें, नए स्टेशन बने। इतना ही नहीं बल्कि पानी को कैसे समझा जाता है। हमने प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया, उसमें बाढ़ का पूर्वानुमान, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली, बाढ़ पर निगरानी, इसका हमें सही तरीके से नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से मिला। जन शक्ति मंत्रालय हमेशा नौजवानों के लिए नए कार्यक्रम बनाता है, जैसे कि मैं जल प्रबंधन से सिविल इंजीनियर्स को शामिल किया गया। 2 सालों में मैंने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में प्रशिक्षण लिया है, इस वजह से मुझे अच्छे तरीके समझ आए हैं। अगस्त 2018 में केरला में भीषण बाढ़ आई थी और तब हमें पता चला कि राज्य इसमें क्या कर सकता है और इसमें राज्य को क्या चाहिए। राज्य को ये चाहिए कि हाइड्रोलॉजिकल जानकारी और सही समय का डेटा। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ने हमें सपने साकार करने का मौका दिया और हमें सही समय पर सही जानकारी भी मिल पा रही है। केरल सरकार रिवर बेसिन के मैनेजमेंट के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने की योजना बना रही है। बाढ़ के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित बेसिन के लिए फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम की योजना भी है। एडवांस हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग टूल्स के बाद बेसिक हाइड्रोलॉजी शुरू करने से मेरे जैसे नौजवानों को बहुत ही मदद मिली है और वाटर टूल्स के बारे में अधिक सीखना, नदी और बेसिक योजनाओं की बेहतर तैयारी इसी में। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के जरिए सभी स्तरों पर जल पेशेवरों की क्षमताओं और ज्ञान में सुधार आएगा। हितधारकों और सहभागियों के बीच जानकारी साझा करने और समस्या के प्रति जनता की जागरूकता के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत संस्थागत क्षमता निर्माण प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सहित 175 से भी ज्यादा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पहले से ही आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें करीब 4000 सहभागी शामिल हुए। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत वार्षिक जल प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोजित करने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना से हमारे जल संसाधनों को हम बेहतर जान सकेंगे और भारत में जल सुधार लाने हेतु जानकारी आधारित निर्णय लेने के लिए साधन उपलब्ध हो सकेंगे। जल विज्ञान से देंगे हर मुश्किल को अंजाम, हर बूंद बने जलधारा, हर एक काम देश के नाम।